जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो साथियों, आपको पता ही होगा 23 जनवरी को एक मामला आया था जिसमें 3 लोग एक कुत्ते को बेरहमी से उसे जान से मारने का प्रयास कर रहे थे। तो हमारी टीम को जैसे ही पता चला, हमने पुलिस प्रशासन को बोला, पुलिस प्रशासन उनको ले जा करके अरेस्ट तो की, लेकिन 151 का चलान करके उनको 24 घंटे हिरासत में रख के छोड़ दिया। कोई भी मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत नहीं किया। हमारी टीम वहां पहुंची, मथुरा अभी पहुंच चुकी है, और पहुंचने के बाद यहां पे पूरा मुकदमा अच्छे से करा दिया हमने। कराने के बाद उनके ऊपर 429 धारा 429 और पशु क्रूरता का नियम लगवा करके उनके ऊपर धारा पूरा लगवा दिया है। और इसी प्रकार से इन कुत्तों को इसी प्रकार से अगर कोई भी कहीं भी पूरे इंडिया के अंदर अगर किसी भी बेजुबान के लिए अगर उन्हें प्रताड़ित करेगा, उन्हें परेशान करेगा, तो उनकी आवाज हम बनेंगे। इन बेजुबानों की आवाज संदीप कुमार और पूरी जौनपुर रेस्क्यू टीम खड़ी है, और पूरे इसमें हमारी मदद विकेंद्र जी जो कि एक्टिविस्ट हैं बदायूं से, और अनुराधा मैम और मेनका गांधी मैम जी का भी काफ़ी सपोर्ट रहा हमारे साथ में इस पे FIR लॉन्च कराने में। और हमने पूरा तहरीर देने के बाद रात को लगभग 12:30 बज गए थे, उस समय हमने पूरा FIR कंप्लीट करवा करके फिर हम वहां से लौटे हैं। जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक हम लगे रहेंगे। हमारा घर 800 किलोमीटर दूर भले है, लेकिन बेजुबानों के लिए मेरा पूरा घर इंडिया, ये हिंदुस्तान मेरा पूरा घर है। मैं कहीं भी जाने और आने के लिए सक्षम हूँ। कहीं भी ऐसी घटना होती है तो आप लोग मुझे याद कर सकते हैं। मैं संदीप कुमार हमेशा खड़ा हूँ आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो में।